अमलेश्वर थाना क्षेत्र में 4 माह पूर्व हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। मामले में सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते शराब पीते समय गर्दन दबाकर मृतक की हत्या कर जामगांव के रास्ते पर एक खेत के समीप कार से पेट्रोल निकालकर शव को जला दिया था। बीते 4 माह पूर्व हुए अंधे कत्ल की गुत्थी का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं 1 आरोपी फरार बताया गया है। गौरतलब है कि पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग बद्री नारायण मीणा ने बताया कि ग्राम अमलीडीह में सरजू जोशी के घर के पास एक जले हुए अज्ञात पुरुष का शव मिला था, जिस पर तत्काल अमलेश्वर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और जले हुए अज्ञात शव का पंचनामा कार्रवाई के उपरांत अज्ञात शव को शासकीय अस्पताल सुपेला के मर्चुरी में 6 दिन तक रखा दिया और शव की शिनाख्त शुरू की गई। जांच के दौरान शाम पता साजी के माध्यम से अथक प्रयास के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। शव की शिनाख्त हेतु दुर्ग पुलिस के सोशल मीडिया पेज एवं मीडिया के माध्यम से प्रयास भी किए गए, लेकिन उसमें भी कहीं पर सफलता नहीं मिली। इसी दौरान जांच के दौरान 6 नवंबर 2021 को डॉक्टरों की टीम के द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टरों की टीम के द्वारा अपने शॉर्ट पीएम से गला दबाकर हत्या कर शव को जलाना बताया गया है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। विवेचना टीम को अज्ञात मृतक के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि थाना पुरानी भिलाई में शेख महजुद्दीन निवासी भिलाई 3 नामक व्यक्ति इसके नाम से गुम है। शेख महजुद्दीन के परिजनों से पूछताछ की गई। पूछताछ पर तथा अज्ञात मृतक के कपड़ों से कलाई में बंधा हुआ काला धागा एवं लाल रंग की चप्पल से मृतक की शिनाख्त हो पाई। मृतक महजुद्दीन भिलाई 3 निवासी बताया गया। विवेचना में मृतक के संबंध में आपराधिक प्रवृत्ति के होने की जानकारी मिली तथा मोहम्मद अशरफ भिलाई 3 के साथ कुछ समय पूर्व दोनों के बीच मारपीट होने की बात भी सामने आई। साथ ही आपसी रंजिश भी सामने आई। आपसी रंजिश के चलते मृतक शेख महजुद्दीन से बदला लेने की नीयत से आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये योजना बनाई और घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर दुर्ग एसपी बद्रीनारायण मीणा ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। 1 नवंबर 2021 को ग्राम अमलीडी में एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला था, जिस पर पुलिस के द्वारा उसको मर्ग में लेकर विवेचना में लिया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि उस व्यक्ति की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। हालांकि उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, इसके लिए थाना अमलेश्वर के द्वारा सभी जगह और सभी थाना के आसपास के थानों में, आसपास के जिलों में उसकी पहचान, उसकी फ़ोटो भेजकर उसकी पहचान करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई और 8 दिसंबर को उस व्यक्ति की पहचान शेख महरुद्दीन उर्फ टुनटुन के रूप में हुई। उसके भाई ने उसकी पहचान की और ये पता चला कि ये व्यक्ति ड्राइवर है और गाड़ी चलाता रहता है। घर वालों कभी कभी लंबे समय तक घर से बाहर रहता है, तो इसलिए घर वाले पहले उसके बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं किए। जब बहुत दिनों तक घर वापस नहीं आया तो उन्होंने थाने में गुम इंसान दर्ज करवाया। भिलाई तीन के गुम इंसान और इस मर्ग में जब दोनों में समानता हो गई, उसके बाद ये पता करने की कोशिश की कि इस व्यक्ति की किसी से कोई दुश्मनी थी या किसी के साथ में इसका विवाद था। इसी विवेचना करते करते ये पता चला है कि अशरफ नाम के व्यक्ति से मृतक की लड़ाई हुई थी। उसमें थाना भिलाई 3 में अपराध भी कायम हुआ था और अशरफ ने इसकी गाड़ी को जला दिया था। गाड़ी को जलाते समय ही अशरफ ने कहा था कि तूने जैसे मेरी गाड़ी को जलाया है वैसे तुमको भी मैं एक दिन जला दूँगा। इसी बातों को पुलिस जो हमारे पास तथ्य है इस पर आगे विवेचना किया गया और अशरफ से पूछताछ करने पर उसने इस अपराध को करना कबूल किया। उसने बताया कि उसने अपने 2 साथियों के साथ में, संदीप पाटिल और राहुल के साथ में, ये अपराध किया है और चूंकि इनकी पुरानी दुश्मनी थी, उसी दुश्मनी को कारण उन्होंने इसकी हत्या की है और इन्होंने उसको हत्या करके अपनी गाड़ी में रख के उसको अमलेश्वर में जाके शव रख दिया था और उसको जला दिया। ये मृतक भी और आरोपी भी दोनों ही अपराधी प्रवृत्ति के हैं। लड़ाई झगड़े के इनके अपराध थानों में दर्ज। फरार आरोपी की तलाश जारी, लेकिन अभी ही एक सूचना मिली कि जो टीम हमारी गई हुई थी बिहार से, उसको अभी उसको गिरफ्तार किया। बहरहाल घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया है। वहीं 2 आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किए गए हैं। वहीं 1 आरोपी के मामले में ही पुलिस को जल्द पता होने की बातें कही गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।